प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व चंपारण बिहार में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने चंपारण में महात्मा गांधी के सत्याग्रह और स्वच्छाग्रह का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी को अवसर दिया, जिस कारण आज घर घर शौचालय, हर घर में बिजली, गैस सिलेंडर, नल से जल की सुविधा देने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। वहीं पीएम ने कहा कि केंद्र में एक मजबूत सरकार की जरूरत है, जिससे देश के बच्चों का भविष्य सुधरेगा। साथ ही उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की भी बात कही। चंपारण की ये धरती प्रेरणा की धरती है। आपका ये स्नेह, आपका ये उत्साह, ये आशीर्वाद ये दिखा रहा है कि छठे और सातवें चरण में देश में क्या होने वाला है। साथियों, यहां चंपारण में पूज्य बापू ने सत्याग्रह और स्वच्छाग्रह का प्रयोग किया था। आजादी के बाद इसी से प्रेरणा लेकर कांग्रेस को देश में सफाई के लिए आंदोलन करना चाहिए था। पूज्य बापू की स्वच्छता की जो अपेक्षा थी, देश में स्वच्छता एक संस्कार बनाकर बापू को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि देने का उन लोगों को अवसर मिला था। लेकिन उन्होंने सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह छोड़ दिया, बापू के विचारों को छोड़ दिया, बापू के आचारों को छोड़ दिया, बापू के आदर्शों को छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने पर जोर लगा दिया। कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर देश के 60 साल बर्बाद कर दिए। आजादी के 60-70 साल बाद जब आपने एक गरीब मां के बेटे को आपकी सेवा करने का अवसर दिया, तब घर घर शौचालय पहुंचा। जब मोदी आया तो हर घर में बिजली पहुंची। ये मोदी है जिसने हर घर में गैस पहुंचाने का बीड़ा उठाया। ये मोदी है जो हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। देश में गरीब की पूछ तब शुरू हुई जब गरीब का ये बेटा प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा में खपने लगा। और इसलिए साथियों, मुझे केंद्र में एक बहुत मजबूत सरकार चाहिए, और मजबूत सरकार मोदी को, मोदी के परिवार को मजबूत बनाने के लिए नहीं, मजबूत सरकार आपके बच्चों के भविष्य के लिए, मजबूत सरकार आपके सपनों को पूरा करने के लिए। और इसलिए मैं आज पूज्य बापू की जन्मभूमि गुजरात से, पूज्य बापू की कर्मभूमि में
आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। साथियों, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रहा हूं, जनता जनार्दन के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं, 10 साल के मेरे काम का हिसाब देने जा रहा हूं, और जहां भी गया हूं एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, एक ही मंत्र सुनाई दे रहा है, एक ही गूंज सुनाई दे रही है। फिर एक बार